ऋषभ सर इस रॉड को आप बैलेंस कर सकते हो एक उंगली पे? क्यों नहीं कर सकता सर, कर सकता करके दिखाना एक बार, सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस करके दिखाओ। नहीं नहीं एक मिनट सर, ये देखो अभी से ही गिरा रहे हो। अरे सर ये देखो ये होने वाला नहीं, आपसे नहीं होगा सर, छोड़ दो। मैं इसके बाद इस हथौड़े को भी बैलेंस करके दिखाऊंगा उंगली पे, ठीक है? देखो मैं करके दिखाऊंगा, रखो। जैसे कि ये रॉड है ना, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा सेंटर से इधर है, क्योंकि हल्का सा मास यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे देखो, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बैलेंस करने की। एक मिनट, हाँ 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 हाँ, एक और बार। अरे रुक जाओ सर, करूँगा, देखो। हाँ देखो, हो गई बैलेंस। अब देखो इस हथौड़े को भी बैलेंस करके दिखाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सर इस हथौड़े का सेंटर ऑफ मास सेंटर में ना होके थोड़ा इधर होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा मास है। जितना ज़्यादा मास होगा उधर ही की तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक जाएगा। तो मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ इधर की तरफ। ये देखो मेरी उंगली टेढ़ी होगी, लेकिन ये बैलेंस हो गया कि नहीं? गिर गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से आप देख सकते हैं।